हेलो स्टूडेंट्स अज अभी नैक्सट ए जो चैप्टर है थर्ड यूनिट साडा वह जरा फस्ट चैप्टर है वो लास्ट तीन टॉपिक्स ने डकस करा यद ही आया वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा तो नैक्सट लैक्चर अभी नैक्सट चैप्टर ऑफ थर्ड यूनिट दैट इज़ द फ्रिक्शन वो स्टार्ट करा ना दिस इज़ द प्रॉब्लम्स तीन प्रॉब्लम्स ने जड़िया कि असी ये डिस्कस करनी है इस चैप्टर थ्री वी हैव डेड थ्री लॉज ऑफ द न्यूटन न्यूटन ने अस तीन लॉज किए हैं फर्स्ट लॉ बिच डिफाइनज द फोर्स सैकेंड लॉ विच मईर्स द फोर्स एंड थर्ड लॉ गिवज अस द ओरिजन ऑफ द फोर्स की फोर्स आया कितों फोर्स ऑलवेज एगजिस्ट इन पेयर त फोर्स हमेशा पेयरस के बिच कर अगर फोर्स है तो नाल दाल वह दा, रिएक्शन जरूर अगर एक्शन है तो रिएक्शन भी होएगा ना सेम तीनों चीजों में असं इन्होंने तीन डिस्कस करना है द फर्स्ट प्रॉब्लम वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर दैट इज़ द हॉर्स एंड द कार्ट प्रॉब्लम पहली आ गई हॉर्स एंड द काट प्रॉब्लम नाउ दिस इज अ कार्ट एक कार्ट है सी इज़ अ कार्ट एंड दिस एच इज़ अ हॉर्स दिस एच इज़ अ हॉर्स सी इज़ अ कार्ट एच इज़ अ हॉर्स ਕਾਰਟ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਕੈਪੀਟਲ m ਤੇ ਹਾਰਸ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ স্মਲ m ਤੇ ਕਾਰਟ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਕੈਪੀਟਲ m ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ weight ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ w1 weight of the cart ਜਿਹੜਾ ਕਿ نیچے ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ that is equals to mg mg ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ towards the ground g is the acceleration due to gravity obviously weight نیچے ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਾਰਸ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ m ਤੇ ਹਾਰਸ ਦਾ weight ਆ ਗਿਆ w2 that will be also इंग डाउनवर्ड डाउनवर्ड जाएगा नॉर्स जड़ाट न अपनी तरफ खिंच रहा है काट नीच रहा है तो काट जोड़ा वह हॉर्स नरफ खिंच रहा है जिसे करके इस रोप दे विच, जेड़ा जिस फोर्स नाठ हॉर्सू खिंच रहा है दैट इज स्टी तो जिस फोर्स नार्स ज वो काट न अपने वाल खिंच रहा है दैट इज़ आलसो इक्वल टू टी सो दीज आर इक्वल एंड ऑपोजिट सो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे ना द थर्ड स्टैप कि काट मूव के किए करता है जो हॉर्स पुल करता है ना हॉर्स है जरा करता है f ਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਤੇ ਨਾਲ ਕਾਰਟ ਹਾਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਰਸ ਕਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਕਨੈਕਟਡ ਫੋਰਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੈਨ ਦਾ ਫੋਰਸ ਪੁਸ਼ਸ ਦਾ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿਦ ਦਾ ਫੋਰਸ ਐ ਜਦੋਂ ਹਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਗਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਐ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ ਆ r2 ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ हॉर्स जरा ग्राउंड पुश करेगा विद द फोर्स एफ एफ फोर्स न ग्राउंड पुश करेगा जिदे जिदे ऑपोजिट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड ला हॉर्स के उपर रिएक्शन लगेगा लग आर टू इस डायरैक्शन ना आर टू हेयर इज़ रिजोल्वड इन टू टू कंपोनेंट्स दो कंपोनेंट्स के टू रिजोल्व हो गया दैट इज़ आर टू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट तो आर टू कॉस थीटा हॉरीजोंटल कंपोनेंट न फिर अभी इधर आईए कार्ट के उपर जो वेट लग रहा है डबल्यू वन दैट इज इक्वल्स टू कैपीटल एम जी दिस इज़ द वेट ऑफ द कार्ट एंड दिस इज बैलेंस्ड बाय आर वन रिएक्शन आर वन ओनू बैलेंस कर रहे हैं ठीक है सैकेंडली जड़ा टेंशन टी दैट इज दैट इज बैलेंसड बाय टेंशन टी ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਉ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਟ ਅਗੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਰਸ ਪੁਸ਼ਸ ਹਾਰਸ ਪੁਸ਼ਸ ਦਾ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿਦ ਫੋਰਸ ਐਫ ਐਫ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਹਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧਕੇਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆ ਰੂ इन दिस डायरैक्शन आर टू इज रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट आर साइनथीटा वर्टिकल कंपोनेंट आ गया आर कॉस थीटा हॉरिजोंटल कंपोनेंट आ गया न जड़ा वर्टिकल कंपोनेंट है आर साइन थीटा वह किनू बैलेंस कर रहा है हॉर्स के वेट बैलेंस वेट ऑफ हॉर्स ਹਾਰਸ ਦੇ ਵੇਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ 카ਟ ਦੇ ਵੇਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ r1 ਤੇ ਹਾਰਸ ਦੇ ਵੇਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ r2 sin θ ਤੇ r cos θ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ 카ਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸੋ 카ਟ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ r2 cos θ ਸੋ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ऑफ कार्ट जिद करके कार्ट जरा अगे नूव करता so, है सो एखिए हर चीज़ जी बैलेंसड है एक डबल्यू वन वेट ऑफ द काट दैट इज़ बैलेंसड बाय रिएक्शन आर वन फोरस टी एंड टी दैट इज़ बैलेंसड इन द रो रोप हॉर्स जड़ा जिस फोर्स ना उन्हें ग्राउंड पुश किया ਉਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਟੂ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਟੀਕਲ ਤੇ ਹਾਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਫੋਰਸਸ ਆ ਗਏ ਆ ਟੂ ਸਾਈਨ θ ਆ ਟੂ ਕੋਸ θ ਆ ਟੂ ਸਾਈਨ θ ਹਾਰਸ ਦੇ weight ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆ ਟੂ ਕੋਸ θ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਲੈਂਸਡ ਇਨ ਥਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਉ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ which we have that is the apparent weight of a man in a lift and a elevator ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨ ਜਿਹਦਾ mass ਕੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ m ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਅ ਲਿਫਟ ਤੇ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ weight ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਓ ਅਗਰ ਤੇ ਲਿਫਟ ਖੜੀ ਹੈ ਮੂਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਲਿਫਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਜ਼ੀਰੋ 뎃 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੂਵਿੰਗ ना लिफ्ट खड़ी है मूव नहीं कर रही ना उपर ना थले इको जगह खड़ी है जिन्ना आदमी का वेट होएगा उन्ना ही वो थले जी लिफ्ट वेइंग मशीन पई है ओना ही उस वेट आएगा क्योंकि वो डाउनवर्ड जा रहे हैं एम जी इज़ डाउनवर्ड जो एम जी वेट डाउनवर्ड जाएगा नीडल रीडिंग शो करेगी ड्यू टू तो रिएक्शन आर आर रिएक्शन करके नीडल जी है वैलेंस के रीडिंग शो करेगी ड्यू टू तो आर सो so, आर कि बराबर हो गया दैट इज इक्वल्स टू एम जी बंदे का जिन्ना वेट है उन्ना ही शो होगा एक्चुअल वेट शो है जो लिफ्ट मूव नहीं कर सेकंड केस के जो लिफ्ट जड़ी है वो ऊपर थले विद यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब जो ऊपर जा रही है तद भी वो वलोसिटी इको वलॉसिटी उपर न जा रही है या नीचे न रही है तो इको नाली नीचे आ रही है वलोसिटी बढ़ती या घटती नहीं पी है इट इज़ सिंगल वलॉसटी और अगर वलॉसिटी चेंज ना करे तो एक्सलरेशन कि बराबर होंगी है जीरो के बराबर वलॉसिटी चेंज नहीं कर रही इट इज़ मूविंग अप और डाउन विद अ कॉन्सटेंट वेलोसिटी वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म सो ऊपर या थले अपवर्ड या डाउनवर्ड वो वेलोसिटी नाल जा रही है तो जो बॉडी कोई वेलोसिटी नाल मूव करे तो एक्सेलरेशन कि बराबर होंगी है जीरो न अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू सैकेंड लॉ तो फोर्स भी कि बराबर हो गया जीरो के बराबर तो एफ आर माइनस एम जी R mg ਕਿਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ R ਵੀ ਕਿਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ mg ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਦੋਸ ਕੇਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ weight ਹੈ ਲਿਫਟ ਜਾਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟ ਹੈ ਉਹ ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ weight ਉਹਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ weight ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਲਿਫਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਮਤਲਬ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾਂ نیچے ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ weight ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਕੇਸ ਤੇ ਆ ਦੀਏ ਨਾ ਵੈਨ ਦਾ ਲਿਫਟ ਮੂਵ ਅਪਵਰਡ ਲਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ a ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਟੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋ ਜੋ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਟੀ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ that is equals to a ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ that is equals to ma ਤੇ r mg ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ f is equals to r mg ਤੇ r mg ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ m a ਦੇ ਬਰਾਬਰ r ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ that is equals to mg a ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿੰਨੇ r ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ weight ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ mg a ਉਹਦਾ weight ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ increases weight इनक्रीजिंग बैलेंस जरा वेट शो करेगा वो इन्ना वेट शो करेगा अगर लिफ्ट जी है उपरू डायरेक्शन अपर डायरैक्शन मूव करेगी किस तरह मूव करेगी एक्सलारे किधर न लग रही है उपर न उपर न एक्सलारे लग रही है सो एक्सलरे दैट इज़ ए है मतलब वो ऊपर फोर्स कि लग रहा उप अपर डायरैक्शन दैट इज़ एम ए आर माइनस एम जी ਮੇਰਾ ਵੇਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐਮ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਰ ਮਾਈਨਸ ਐਮ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਐਫ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਰ ਮਾਈਨਸ ਐਮ ਜੀ ਦੈਟ ਇਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਇਹ ਆਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਮ ਜੀ ਪਲੱਸ ਐ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਦਾ weight ਸ਼ੋ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਇਨਾ weight ਸ਼ੋ ਕਰੇਗੀ ਜਦਕਿ ਉਹਦਾ weight ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਐਮ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗੀ एम जी प्लस ए सो जो लिफ्ट उपर न जाती है विद अ कॉन्सटेंट व विद अक्सलारे एलोसिटी इनक्रीज करी जा रही है ए एक्सलारे तो इट मीनस कि अगर असी विच, लिफ्ट विच अपना वेइंग मशीन दे नाल, वेट चेक करा तो हमेशा ही आएगा चौथी चीज़ अगर लिफ्ट थले वालू आए डाउनवर्ड डायरक्शन आए विद एक्सलारे ए हूँ थले नही है ज़्यादा वलॉसिटी के न मतलब वो वलोसिटी थले वालों इनक्रीज़ करी जा रही है इट इज़ कमिंग डाउन विद द एक्सलारेशन ए ना एक्सलारे कि आ गई माइनस ए क्योंकि नीचे आ रही है असी माइनस ए करता एफ कि बराबर आएगा माइनस एम ए आर माइनस एम जी दैट इज़ इक्वल्स टू एफ तो आर माइनस एम जी कि बराबर हो गया माइनस एम ए तो आर कि बराबर हो गया एम जी माइनस ए न इत देखो वह वेट घट गया ਸੋ ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ weight ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵਿਦ ਅ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ weight ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਉ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਫਟ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ a ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਗਰ a ਜਿਹੜਾ ਉਹ g ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ that is free fall ਫਰੀ ਫਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ نیچے ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ that is equals to m g g r is equals to 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ so ਡਿਊਰਿੰਗ ਫਰੀ ਫਾਲ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰੋਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਫ੍ਰੀਲੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ weight ਜਿਹੜਾ ਕਿਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ जीरो के बराबर हो जाता है सो इट बिकम वेटलैस इट बिकम वेटलैस सो इन अ फ्री फॉल द बॉडी बिकम वेटलैस फ्री फॉल के बॉडी जी है वेटलैस हो जाती है सैकेंडली अगर एक्सलरेशन जी है इट इनक्रीजिंग ग्रेटर दैन जी जी नो वा जाए जो फ्री फॉल ड्यूरिंग फ्री फॉल फ्री फॉर ऑल द टाइम अगर एक्सलारेशन जी है जी नो इनक्रीज़ कर जे वज जे. तो आर कि बराबर एम जी माइनस ए सो आर कि बराबर होएगा एम माइनस तो आ जाएगा आर इज नैगटिव क्योंकि ये ज़्यादा है जी घट्ट है तो आर कि आएगा नैगटिव नैगटिव मतलब और जड़ी वह जरा वेइंग मशीन जो वेट है वो जीरो तो भी घट गया तो जीरो तो भी घट गया तो बंदा जोड़ा लिफ्ट भी चाहे, सिर जड़ा है वो सिर वो सीलिंग दाल टकर उपर न जाएगा सीलिंग दे नाल टकराएगा उस टाइम सो दिज आर द फ्यू केसिज ऑफ एपरेंट वेट ऑफ अ मैन एपरेंट मतलब नकली वेट एप्परेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट एंड एलीवेटर कि अलग अलग सिचुएशन देख अगर असी लिफ्ट के अपना वेट मुयर करिए बैलेंस नाल तो मैलेंस केस वेयरिंग करेगा लिफ्ट सिचुएशन से अगर लिफ्ट लैसट पोजिशन से है साडा वेट उइ आएगा अगर लिफ्ट यूनिफॉर्मली उपर या नीचे मुइयर कर रही है तद भी साएगा अगर लिफ्ट ए एक्सलारे उपरू जा रही है साडा वेट बढ़ जाएगा अगर लिफ्ट ए एक्सलारे थले आ रही है साडा वेट घट जाएगा अगर लिफ्ट फ्रीली थले फॉल कर रही है साडा वेट जीरो हो जाएगा वुई बिकम वेटलैस और अगर लिफ्ट जी है वो थले ਏ ਐਕਸਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ 네ਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ weight ਜਿਹੜਾ 네ਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਟਕਰਾਏਗਾ ਥੋਸੇ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਫਿਊ ਕੇਸਸਸ ਆ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸਸਸ ਆਰ ਦਾ ਅਪਰੈਂਟ weight ਆਫ ਅ ਮੈਨ ਇਨ ਅ ਲਿਫਟ ਐਨ ਅ ਐਲੀਵੇਟਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆ दैट इज ਕਨੈਕਟਿਡ ਫੋਰਸਸ हाँ वट इज़ दिस कनैक्टिड फोर्सिस एक पुली लो दिस इज़ द पुली वु हैव पुली दे द अक्रॉस दो वेटू इत आ गया एक वेट है हर एक वेट साढ़े को एम वन हर एम टू एम वन ज्यादा एम टू नाल जिदे करके पुल इधरों थले आएगी और इधरों की उपरू जाएगी ना टी इज द टेंशन इन द रो न इधरों की पुली जहड़ी है वो मा वेट लग रहा है एम टू जी और इधर वेट लग रहा है एम वन जी एम टू जी नीचे न पुली ने जाना उपर ना एक्सलारेन इधरों पुली ने थले आना वेदा ए एक्सलारेशन और पुल इधर जाएगी जड़ा वेट ज्यादा पुली उधर नीचे नु जाएगी नॉन ऑन हैवीयर बॉडी कि वेट लग रहे है हैवीयर बॉडी से साइक वेट लग रहा है वी विल कैलकुलेट दैट हैवीअर बॉडी तो सब तो पहला एम वन जी वेट लग रहा है। जड़ा कि डाउनवर्ड है फिर टी जड़ा कि रोप च लग रहा अपवर्ड है फिर ए एफ इजिकल्स टू एम एवी फोर्स लग रहा है ना वो किधर लग रहा है? नीचे न इट इज़ डाउनवर्ड सो हैवीअर बॉडी पर तीन तरह के फोर्स लग रहे हैं एम वन so, जी डाउनवर्ड एम ए डाउनवर्ड ती जरा टेंशन वो अपवर्ड दैट इज़ अपवर्ड ऊ ऊ ऊ ऊ ऊपर न लगेगा सो टी माइनस एम जी जिमें आर माइनस एम जी करी तो उस टी माइनस एम वन जी कि बराबर है माइनस एम ए क्योंकि नीचे आ रहा ना सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस एम वन ए, ए पहली इक्वेशन हो गई ऑन लाइटर बॉडी लाइटर बॉडी तो हम पहला एम टू जी डाउनवर्ड तीसरा टी टेंशन अपवर्ड फेयर ए, म ए, म ए एम ए एम टू ए दैट इज़ अपवर्ड वो भी ऊपर उपरू क्योंकि लाइटर बॉडी है सो अपवर्ड टी माइनस एम टू जी कि बराबर आ गया एम टू ए ये साढ़े इक्वेशन आ है ना इतों असी टी दी वैल्यू कभी इतों टी की वैल्यू कि आएगी पहली केस टी इज इक्वल्स टू माइनस एम वन ए प्लस एम वन जी तो दूसरी बच्चे टी दी वैल्यू कि आ गई एम टू जी एम टू ए प्लस एम टू जी हूँ यह दोनों टी ने टी तो दो ड्रोप रोप केम एको टी है सो so, इन दोनों इक्वेट कर दी सो माइनस एम वन ए प्लस एम वन जी इज इक्वल्स टू एम टू ए प्लस एम टू जी तो अभी ए वैल्यू कैलकुलेट कर लाँगे तो ए वैल्यू साढ़े कोम वन माइनस एम टू जी एम वन प्लस एम टू इन एक्सलारे ए जी पुल है वो मूव करेगी अपने वेट्स में उपर नीचे मूव करेगी जड़ी एच टेंशन कि टेंशन न कर फाइंड आउट करने वास्तव इक्ुएशन वन और इक्ुएशन टू न डिवाइड कर दो तो अगर अभी डिवाइड करिए माइनस एम वन जी डिवाइड बाय

ਜਿਹੜੀ ਰੋਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰੀਏਟ ਹੋਈ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ 올 अबाउट द कनेक्टेड फोर्सेस ਸੋ ਇਥਨ ਅਸੀਂ ਕਿਤਿਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਰਸ ਐਂਡ ਦਾ ਕਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਪਰੈਂਟ weight ਆਫ ਦਾ ਮੈਨ ਇਨ ਅ ਲਿਫਟ ਐਂਡ ਐਨ ਐਲੀਵੇਟਰ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਨੈਕਟਡ ਫੋਰਸਸ ਸੋ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 3 ਲਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊਟਨ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆਈ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਰਾਈਟ ਅਗੇਨ ਫਸਟ ਲਾ

एंड द कनैक्ट फोज ये सारियाँ चीज़ा अस इस चैप्टर के थॉरली करनी है एंड यू मस्ट प्लीज़ कंप्लीट योर कॉपीज नैक्सट लैक्चर वी विल स्टार्ट विद द नैक्सट चैप्टर ऑफ द थर्ड यूनिट दैट इज द फ्रिक्शन बड़ा इंट्रस्टिंग चैप्टर है प्लिस दैट